नहीं हटाएंगे अभी। तो मैनुअल में लिखा है 37 तक इसको ऑप्शन 1 में रखना चाहिए। ठीक है, ये अच्छा दिखने लगा है और कुछ कमजोरी है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम संजीव है और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। वो है, मैंने एक स्टैंड मिक्सर परचेस किया है, वो मिलरवर कंपनी का है। ठीक है, तो इसके द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम आपको आज ये वीडियो दिखाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका डिटेल्स। एक्चुअली ये जो स्टैंड मिक्सर है मिनरवर का, इसके द्वारा हम 3 टाइप मिक्सिंग कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हेवी टाइप जो मिक्सिंग होता है वो हम कर सकते हैं। हेवी मिक्सिंग क्या है, वो जो है आटा और मैदा का जो हम नीडिंग करते हैं ना डब बनाने के लिए, तो उसका हम इजीली ये मशीन के द्वारा कर सकते हैं। और मीडियम हेवी मिक्सिंग भी हम कर सकते हैं। मीडियम हेवी मिक्सिंग क्या क्या चीज़ है, इसके द्वारा मीडियम टाइप जो मिक्सिंग है वो है सलाद हम कर सकते हैं, कुकीज कर सकते हैं, क्रिप्स कर सकते हैं, इजीली ये कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये अभी भी प्रैक्टिकली नहीं किया है, तो क्या क्या काम हम कर सकते हैं ये आपको मैं बोल रहा हूँ, मेरा जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो आपको शेयर कर देंगे टोटली। ठीक है, तो आपके अच्छा लगे तो ये मशीन जरूर परचेस कर लेना। तो आप देख सकते हैं इसमें मिलरवर नाम लिखा है। तो बॉक्स का जो बॉक्स, ये बॉक्स जो है मेरे पास आया है, आज ही आया है, अमेजोन डिलीवर किया है। और आप देख सकते हैं इसके बाहर ये अच्छा क्वालिटी का बॉक्स है, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है। इसमें जो दिख रहा है इसमें मोस्ट ऑफ ये 6 लेयर्स का बॉक्स पैक है, तो बोल हम इजीली बोल सकते हैं ये अच्छा क्वालिटी का है। तो इसके बाहर एक एनवलप भी है, तो क्या है इसमें एक बार देख लेते हैं। अच्छा, इसमें कैश मेमो है। ठीक है, तो अमेजन जो डिलीवरी के इसका जो प्राइस या मैं इसके जो परचेस किया प्राइस है वो क्लियर तो नहीं आ रहा है, मगर मैंने परचेस किया है 6021। ठीक है, इंक्लूडिंग GST 6021 मिलेगा, मिल गया हमको, मिल गया 6021 में हमको ये मिल गया। तो इसके बाद देखते हैं और क्या क्या चीज़ है अंदर। और इसके पहले आओ बॉक्स के बाहर का एक पिक्चर हम देख लेते हैं। ये मिलरवर का स्टैंड मिक्सर, इसका जो मॉडल नंबर है MWSM01 स्टैंड मिक्सर है। वन इसका जो पावर है 1000 वाट। आप एक बात आपको बोलना चाहता हूँ, 1000 वाट मतलब ये अच्छी क्वालिटी का मोटर है। तो हम जब घर में जो पंप हम लोग यूज़ करते हैं ना, उसका क्वालिटी, उसका जो कंजम्पशन है 1 HP और 1/2 HP ऐसा होता है, उसके ज़्यादा भी हो सकते हैं, मगर मीडियम घर में ये 1 HP का ही होता है। ठीक है, 1 HP मतलब 746 वाट मेट्रिक। ठीक है, 746 वाट, इसके मतलब इसका जो 1000 वाट है, इसके मतलब क्या है, इसमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, अच्छे कैपेसिटी का मोटर दिया हुआ है। ठीक है, ग्रॉस वेट 3.95 kg और नेट वेट है 3.3 kg। और इसमें जो कंटेंट है, 1 नंबर मेन यूनिट 2 केसेस बावल, 1 नंबर हुस्किंग कोन, 1 नंबर डार्क फूक, और 1 नंबर मिक्सिंग बिटर, 1 नंबर स्प्लैश गार्ड, 1 नंबर इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स का वारंटी कार्ड। ये इसका जो कलर स्ट्रिक ग्रे का, और ये पीपल ऑफ रिपब्लिक चाइना, मतलब PRC को एब्रिविएशन फॉर्म में हम कह सकते हैं, PRC पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। और एक बात हमको बोलना चाहिए, एक्चुअली पहले आपको जो मैंने दिखाया इस बॉक्स में, बॉक्स का बाहर साइड में ये 1 ईयर का वन ईयर का वारंटी आपको इजीली मिल जाएगा, मगर और एक्स्ट्रा आपको एक्सटेंशन मिलेगा तो आपको क्या करना होगा। इधर बाहर में एक और भी स्टिकर है इसमें, एक
आप इजीली ये एक्सटेंडेड वारंटी का स्टिकर है, आप इसको कैसे पा सकते हैं, आपको भी इसको पाने के लिए आप जिस साइट से ये परचेस किया है, हो सकता है इसमें इधर में जो है अमेजोन और फ्लिपकार्ट है, दोनों को साइट जिस साइट में आप चूज कर सकते हैं उधर से ये परचेस कर सकते हैं। परचेस करने के बाद आपको ये कुछ रिव्यू लिखना पड़ेगा, पिक्चर स्नैपशॉट ऐसा कुछ लेकर आपको फीडबैक देना है, ठीक है। और टोटल मेथड्स को ये जो नंबर आप दिख रहा है ना आपको, इस नंबर पे आपको स्नैपशॉट जो ले रखे आप उसको आपको सेंड करना है व्हाट्सएप में, तभी ये आपको 6 मंथ्स वॉरल एक्सटेंड पे बन के आपको मिलेगा, ठीक है। तो चलिए इसके बाद इसके अंदर क्या क्या चीज है एक बार उनके देख लेते हैं। फर्स्ट हमको ये स्टैंड मिक्सर का एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल कम वारंटी कार्ड मिल गया, ठीक है। इससे सब कुछ डिटेल्स लिखा है इसमें, ये सब कुछ इसके अंदर दिया हुआ है और इसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, आप इसको इजीली देख सकते हैं। और इसमें कुछ डिटेल्स प्रोसीड्योर है, इसका कुछ ट्रबल शूटिंग पार्ट है इसमें दिया गया है, और इसमें कुछ हाँ रेसिपी लास्ट में दिया गया है, आप इसको देखकर बना सकते हैं, ठीक है। नौ आइटम का ये रेसिपी है, आप इसको बना सकते हैं इस मशीन के द्वारा। और ये है वारंटी का कुछ स्टेटमेंट, और यही है आपके जो चल वारंटी कार्ड यही होता है, ठीक है। तो ऑनलाइन असिस्टेंट के लिए व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। तो इसके साथ और भी एक चीज दिया गया है, मिलरवर का कुछ फर्नीचर होम अप्लायंसेस भी है। तो चलिए इसके अंदर क्या क्या चीजें देख लेते हैं। ये एक पार्ट है, ये मोस्ट प्रॉब्ली स्प्लैश गार्ड, हाँ ये स्प्लैश गार्ड है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है, अपने लेकर मैं फील कर रहा हूँ। इधर एक लॉक ऐसा है, लॉक करने के लिए ऐसा कुछ है। थिकनेस देखिए, प्लास्टिक का जो थिकनेस है आप देखिए, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है। ये पावर कवर है, बहुत ही अच्छा क्वालिटी के पावर कवर। इसमें देखिए, इसमें एडजस्टिंग द लेबल्स यूजिंग द टॉप ऑफ नॉट फॉर नॉट मोर देन 900 ग्राम्स हम मैक्सिमम इसमें दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मैक्सिमम 600 ग्राम का और 300 ग्राम, मगर मतलब 600 प्लस 300 900 ग्राम 400-500 ग्राम, ठीक है। 900 ग्राम मैक्सिमम हम इसमें दे सकते हैं। रिमार्क्स में कुछ लिखा है, आप देखिए, डू नॉट रन अप्लायंसेस फॉर मोर देन 6 मिनट कंटिन्यूअसली, मैक्सिमम 6 मिनट हम कंटिन्यूअसली यूज कर सकते, उसके ज्यादा नहीं। डोंट रन अप्लायंसेस इन स्पीड 1 फॉर लॉन्गर टाइम, एक नंबर सिलेक्शन में स्पीड 1 में लॉन्गर टाइम हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है।
इसका बाउल दिया गया है। और इधर रोटेशन स्विच है, हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं क्या क्या चीज इसमें होगा। इधर लॉक लिखा है और ये बॉटम साइड में मिलर वर्क डिटेल्स कुछ दिया गया है, स्पेसिफिकेशन ही है, मॉडल नंबर ऐसा कुछ है। और इसमें रबर ग्रिप जो होता है ना, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है, मैं इसमें रख के फील कर सकते हो, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का। इस बाबल को निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, ये जो लॉक आपको दिख रहा है ना, ये लॉक आपको टोटली इधर ले जाना पड़ेगा। आप इधर ले जाएंगे तो ऑटोमेटिक ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी बंद करना होगा इधर जाने के बाद, इससे आपको थोड़ा प्रेस करके छोड़ दीजिए, ठीक है। क्या बोला मैंने, आप इसमें ये जो एरो का जो एरो हेड का जो लास्ट, मैं जूम करके आपको दिखाने वाला है, ठीक है। ठीक है, देखिए इसमें जो ये एरो दिख रहा है आपको, इस एरो के पास में इसको ऐसे क्लॉकवाइज ले जाना है, उसके बाद इसको पुश करके छोड़ देना है, ठीक है। अब देखिए ये लॉक हो गया है, ठीक है। फिर सबको ये खोलना है तो आप ये ऐसे करके पुश कीजिए, ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सिस्टम है इसका। तो उसके बाद हम ये जो इसको अनलॉक करते हैं, इस बाउल को। इधर लॉक होता है, ठीक है, ये जो स्लॉट आपको दिख रहा है इधर लॉक होता है। प्लास्टिक भी अच्छा क्वालिटी का है। तो और एक बात आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, अब जब भी नॉर्मली आपको ये आप पुश करेंगे ये नहीं जाएंगे इधर, ठीक है। तो इसके लिए आपको इसे इधर दबाना है, उसके बाद इजीली ये इधर आ जाएगा। छोड़ दीजिए, हो गया लॉक। तो अब देखेंगे इस बाउल के अंदर क्या क्या चीज़ है। ये चीज हमको मिला, बहुत ही सॉफ्ट है, प्लास्टिक हार्ड है, बहुत ही सॉफ्ट है ये, ऐसे ब्लेंडिंग ब्लेंड करने के लिए। तो अब देखिए ये जो 8 नंबर पे जो चीज है, इसका ही चीज है, इसका नाम क्या है, इसका ये नाम व्हिस्किंग कोन, ठीक है, ये व्हिस्किंग कोन है। इसके बाद दूसरा एक चीज हमको मिला, ये चीज, ये क्या चीज है, मोस्ट प्रोबब्ली एल्यूमिनियम का बना हुआ है, मोस्ट प्रोबब्ली, ज्यादा वेट तो नहीं है मगर ये एल्यूमिनियम का बना हुआ है मोस्ट प्रोबब्ली, पता नहीं, हाँ ये एल्यूमिनियम ही होगा, हार्ड एल्यूमिनियम का बना हुआ है, हार्ड, ठीक है। इसका जो इधर जो पिक्चर दिखाने वाला दिखा रहा है, 7 नंबर का, 7 नंबर का मिक्सिंग बेटर, ये जो है मिक्सिंग बेटर 7 नंबर का, ठीक है, मिक्सिंग बेटर।
उसके बाद और एक चीज हमको मिला, पिक्चर है इसमें दिखा रहा 6 नंबर का, 6 नंबर का नाम क्या है, डफ। एक्चुअली मैं जब ये काम पे लगाएंगे यही हुक ज़्यादा यूज़ होगा, एक्चुअली नीडिंग करने के लिए हमको इसको यूज़ करेंगे। ये भी एल्युमिनियम के बना हुआ है, ज़्यादा वेट तो नहीं है, ठीक है। मगर स्ट्रेंथ है, बहुत ही स्ट्रेंथ है इसमें, ये भी हार्ड एल्युमिनियम के लिए। तो एक बाउल दिया गया है, ये वाह बहुत ही हाई फिनिशिंग है, ज्यादा वेट तो नहीं है मगर स्ट्रेंथ है इसमें। मैट फिनिश ये दिख रहा है, तो चलिए एक बार लगा के देखते हैं कैसे ये फिटिंग होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आप दिख रहा है मशीन के अंदर, इसको कैसे फिट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आपको दबाना है, ये ओपन हो गया। इसके बाद आपको इसको इधर बिठाना है, तो उसके बाद आप ये जो क्लॉक लॉक सिंबल दिख रहा है आपको क्लॉक वाइज, ये जो देखिए आप फिर से दिखा रहा हूँ लॉक सिंबल है, इसमें आपको ये घुमा देना है, तो इसके ये बाउल जो है लॉक हो गया है, ठीक है, अच्छे से ये लॉक हो गया। मैं खींच रहा हूँ मगर ये ओपन नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसके बाद सोच लीजिए आप इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको कैसे फिटिंग करना है आपको, ये स्लॉट के अंदर ये इसमें जो स्लॉट दिखा रहा है आपको, ये जो आपको ये रॉड दिख रहा है ना उसके अंदर इसमें आपको इंसर्ट कर देना है। उसके बाद आपको ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, ये हो गया। उसके बाद इसको दबा दीजिए, दबा कर इसको रख दीजिए तो लॉक हो गया, ठीक है। उसके बाद आप इसमें जो मटेरियल आपको करना है इसमें आपको डाल दीजिए, पानी है, कुकीज, जो भी आपको करना है आप इसमें दे दीजिए, ठीक है। तो ड्राई रन हम नहीं करेंगे इसमें, ड्राई रन मतलब इसमें कुछ आइटम देकर इसको चलाना पड़ता है, ठीक है। अभी हम इसमें कुछ भी नहीं देंगे, तो ये मैंने रिव्यू करके दिखाया है, ठीक है। इसमें और एक चीज़ दिखाया है, 6 to 8 speed एक चीज़ है, 2 to 6 speed ये चीज़ है, 1 to 5 speed कौन सा हुक आपको यूज करना है वो इस इधर में इजीली दिखाया है, ठीक है। और इसमें एक नॉब है, नॉब के साथ ये मैं सेटिंग कर सकता हूँ कौन सी सेटिंग में क्या क्या चीज़ करना है आपको। कैसे करके आप दूसरा जो पार्ट है इसको ओपन करेंगे तो ऐसे ही आपको करना होगा, आप एंटी क्लॉकवाइज इसको लगा देकर तो क्लॉकवाइज आपको घुमाने से ही ओपन हो जाएगा, अगर कोई के हाथ में आ जाएगा तो, ठीक। ये चीज़ भी सेम ही है, इसमें भी स्लॉट है, ठीक है, स्लॉट आपको दिख रहा है कि इसको ऐसे इसके अंदर फंसा के थोड़ा घुमाना है, अटक जाएंगे, ठीक है, अटक गया ऑलरेडी। उसके बाद इसको पुश करने के बाद ये कुछ छोड़ देना चाहिए, लॉक हो गया। देखिए एक्सपीरियंस हम अभी आपको नहीं शेयर करेंगे, वो पार्ट 2 में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और एक चीज़ आपको मैंने नहीं दिखाया, इसमें एक स्प्रिंग टेंशन है, ठीक है, आप इधर से देख नहीं सकते, मैं कैमरा को देखिए, स्प्रिंग टेंशन स्प्रिंग है, ठीक है।
तो आप कंप्लीटली जब आपको रिलीज करना होगा तब क्या करना होगा, सोच लीजिए आपको ये डफ हुक रिलीज करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो ये बाउल लगाना है, बाउल लगाने के बाद आपको ये हुक लगाना है। मैंने हुक लगा दिया, ठीक है। लगाने के बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ये स्प्लैश गार्ड जो है, स्प्लैश गार्ड को इंसर्ट करना है। कैसे इंसर्ट करना है स्प्लैश गार्ड, आपको जस्ट इसको ऐसे इंस्टॉल कर देना है, ठीक है। और इसमें कैंडल भी है, आप इजीली इसको पिकअप कर सकते, पिकअप करने के लिए इजीली आपको ये इसको बिठाना है। बिठाने के बाद आपको ये जो बटन है, बटन पुश करने के बाद आपको ये थोड़ा ठीक है, अभी ये लग गया, छोड़ देना चाहिए, जो लॉक है छोड़ देना चाहिए। उसके बाद आपको ये यूज करना चाहिए, ठीक है। अब ये जो स्प्लैश गार्ड है, देखिए स्प्लैश गार्ड आप चाहे तो इसको बाहर भी कर सकते हैं, मगर जरूरत नहीं जब आप इसको यूज करेंगे। तो चाहेंगे तो इसको आप हटा के कुछ चीज डाल के आप ये बंद कर दीजिए। तो जब भी ये ऐसा कुछ काम करना है, आपको मशीन को टोटली स्टॉप करना है, उसके बाद स्प्लैश गार्ड लगाना है। लगाने के बाद आप मोटर जो है उसको ऑन करना है, इसके मतलब पावर ऑन करना है। इसके साथ ये ओवरलोड प्रोटेक्टर भी है, आप ये जब भी ये यूज करने के साथ साथ ये ओवरलोड हो जाएगा तो मोटर नहीं चलेगी, ठीक है। इसके एक और स्पेसिफिकेशन है ओवरलोड प्रोटेक्शन। तो ठीक है, थैंक यू सभी को। तो चलिए ये वीडियो अभी खत्म करना चाहता हूँ। तो आपको कैसा लगा शेयर करके और कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और अच्छा लगे तो लाइक कर देना। अभी मैं ये वीडियो ख़त्म करना चाहता हूँ, तो उसके बाद पार्ट टू आपको टोटली शेयर कर देंगे, ठीक है।